চা বাগানের মজুরি জালিয়াতি এবং ভুয়ো শ্রমিকদের নাম মাস্টার রোলে বসিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠল নকশালবাড়ি মানঝা চা বাগানের দুই কর্মীর বিরুদ্ধে। নকশালবাড়ি থানা ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করলো বাগান কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, মানঝা চা বাগানের দুই সাব স্টাফ রোশন তিরকি এবং বিনোদ কালকো নিজেদের পরিবারের সদস্যদের নাম মাস্টার রোলে বসিয়ে 2021-22 সাল থেকে বাগান কর্তৃপক্ষের টাকা জালিয়াতি করছিল। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই বাগানের সিনিয়র ম্যানেজারকে প্রাণনাশের দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন সিনিয়র ম্যানেজার দন্নারাম চৌধুরী। এই বিষয়ে বাগানের সিনিয়র ম্যানেজার জানান, অভিযুক্তরা বাগানের পরিবারের সদস্য, দুই শিক্ষার্থী নাম বসিয়ে টাকা নয় ছয় করত। দোষীদের কড়া শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। অন্যদিকে দার্জিলিং জেলা পুলিশ প্রবীণ প্রকাশ টেলিফোনে জানান, পুলিশ তদন্ত করছে। ये मांझा टेस्ट हमारा मांझा टेस्टेड है, उसकी ये घटना है। तो हमारे कुछ दिन पहले कुछ हमारे पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो आ रही थी कि हाजरी जो है फॉल्ट हाजरा यहाँ पर चल रहा है। तो हमारे धीरे धीरे इंक्वायरी चल चली, तो इंक्वायरी में ऐसी पता लगा कि जो है वो जो एक तो विनोद है जो सरदार सब स्टाफ है, दूसरा रोशन तिरकी है वो भी सब स्टाफ है। तो हाजरी वाजरी उठाने का वही लोग काम करता है, खाता भी वही लोग मेंटेन करता है। अब उन्होंने क्या किया है कि रोशन ने अपना बेटा और बेटी का नाम का फुल्स रोल बुक में नाम लिखा हुआ, जो बच्चे हैं स्कूल गोइंग हैं, स्कूल जाते हैं, और उनके नाम से वो काफ़ी दिन से जैसे लगा है 2021-22 से फुल्स हाजरा उनके नाम से चल रहा है, जो आज तक कभी भी गार्डन में काम में नहीं गया है। वैसे सेम चीज़ है विनोद, उसकी भी वाइफ का नाम फोल्ट चल रहा है, उसकी सिस्टर ने इन लोग का नाम फोल्ट सकता है जो यहाँ नहीं रहती है, गेरकाटा में रहती है। उसका भाई का नाम एक चलता है, वो ये बाहर रहता है, मगर उसने उसके नाम से फोल्ट हाजरा ले रहा है। वैसे और भी हैं जो बाहर में आदमी रहते हैं उनके नाम से वो लोग चुपचाप हाजरी नाम लिखा हुआ रहता है, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ XYZ का नाम लिखा है, वो उसमें जब मैं मालूम है कि ये बंदा बाहर गया हुआ तो उसका वो उस वहाँ प्रेजेंट दिखा देते हैं और उसका NFT वो ही बनाते हैं उसमें वो। और NFT में उसमें क्या किया हुआ है, चालाकी सबसे बड़ी कहाँ हुई है कि उन्होंने अपने रोशन ने अपने बच्चों का जो है अकाउंट अपने खुलवा दिया, तो उनका पैसा तो उनके बच्चों के अकाउंट में चला जाता है। विनोद का जो है, उसकी वाइफ का, उसका भाई का, उसका सिस्टर इन लोग का, उसकी मदर का, और कुछ जो है पता लगता है कि कोई आदमी नहीं है, उन सब का वो अपने अकाउंट में पैसा डाल रहा था, हाजरी में रोल बुक में उठा दिया, कभी नहीं भी उठाया या बाद में उठा दिया। तो ऐसे करके ये मोटा मोटी मोटा लाखों का घोटाला हो गया, 1 लाख का घोटाला है। फिर उसमें बोनस इन रोल है, उसका बाकी अदर बेनिफिट भी हैं। কোন সম্বন্ধী নামে টাকা ট্রান্সফার করছিল, এটাই হয়েছে।